और तेज़ करूँ? ओके, शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर शाह वलीउल्लाह प्री स्कूल से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारी उर्दू की क्लास है और ये देखिए, ये आपकी उर्दू की वर्कबुक है जिसमें हम रंग भरेंगे और लिखने की मश्क करेंगे। ये देखिए, आज हम हुर्फ तहज्जी सीखेंगे। प्यारे बच्चों, हुर्फ तहज्जी का पहला हुर्फ है अलिफ। अलिफ, अलिफ उर्दू की बुक में सफ़ा नंबर 9 पर मौजूद है। ये देखिए, सफ़े की बाएं जानिब देखिए, सफ़ा नंबर 9। पढ़िए, अलिफ से अनार, अलिफ से ऊंट, अलिफ से अनार, अलिफ से ऊंट। दोबारा पढ़िए, अलिफ से अनार, अलिफ से ऊंट। शाबाश। अब हम इसकी मश्क करेंगे। मैं आपसे कहूंगी अलिफ और आप कहेंगे अनार। मैं आपसे कहूंगी अलिफ और आप कहेंगे ऊंट। अलिफ से शाबाश। दोबारा पढ़िए, अलिफ से शाबाश। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है अलिफ से और भी बहुत से अल्फाज आते हैं। ये देखिए, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अनार, अलिफ से अलमारी, अलिफ से अंडा। दोबारा पढ़िए, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अनार, अलिफ से अलमारी, अलिफ से अंडा। आपको मालूम है कि अनार किस रंग का होता है? अनार सुर्ख रंग का होता है। अनार सर्दियों का फल है। अनार बहुत मज़ेदार फल है। अनार हम बहुत शौक से खाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि अंडे में भरपूर ताकत है। अंडा सफ़ेद रंग का होता है, इससे हमें बहुत कुव्वत मिलती है। अब हम पेंसिल फेरने की प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, ये तीर का निशान ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा है। ये देखिए, ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा है। पढ़िए और लिखिए, अलिफ। शाबाश। दोबारा पढ़िए और लिखिए, अलिफ। शाबाश। दोबारा पढ़िए और लिखिए, अलिफ। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि ऊँट को सहराई जहाज़ भी कहते हैं। ऊँट को सहराई जहाज़ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेगिस्तान में बहुत तेज़ दौड़ता है। प्यारे बच्चों, अब आपको इस हुर्फ की पहचान करनी है और अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज तलाश करने हैं। जैसे अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अब्बू, अलिफ से अम्मी। शाबाश। प्यारे बच्चों, अब हमारी मुलाकात अगली क्लास में होती है। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और अल्फाजों को तलाश करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।